जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, प्यारे संगत जी, आपके साथ भी अब ऐसा होता होगा, जब से आप गुरु जी की लगन में लगे हैं और गुरु जी आपको कहाँ लेकर जाते हैं आपको भी पता नहीं होगा। तो संगत जी, आज का बड़ा ही प्यारा सत्संग है। आज गुरु जी महाराज जी ने मुझे सत्संग सेवा सिमरन का मौका दिया है मेरी ही एक फ्रेंड के घर, और वेलकम भी गुरु जी महाराज जी ने मुझसे ही करवाया है। जाने की आज गुरु जी महाराज चाहते थे कि बचपन से जो एक दूसरे को जानते थे, एक स्कूलमेट थे, एक क्लासमेट थे, तो वो आज मेरा खुद मिलकर वेलकम करे। तो संगत जी, ये बहुत ही खुशी का पल होता है जब आपको आपके जानने वाले और आपके उस इलाके के लोग मिलते हैं जहां आप पैदा हुए होते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जिन गलियों में, जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में आप एक साथ पढ़े होते हो ना, तो वो दिन आपके ताजा हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आज का सत्संग सेवा सिमरन आपने सैनिक कॉलोनी में बख्शी है, जो कि मेरी फ्रेंड के घर पे है। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज आए हो तो इनके घर में ढेरों खुशियां देना, सुख शांति देना, और मेरी जो सहेली है गुरु जी महाराज, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, इसके परिवार को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देना। प्यारी संगत जी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जब भी आपके मन में गुरुजी महाराज जी के सत्संग के बारे में ख्याल आता है, जहाँ गुरुजी महाराज जी का हुक्म होता है, क्योंकि संगत जी प्लानिंग सब गुरुजी महाराज जी की होती है। जब आप सोचेंगे तो शायद तब कुछ हो ही ना, और जब आपने कुछ नहीं सोचा होगा तब गुरुजी महाराज आपके घर में जरूर आएंगे। तो संगत जी, कभी भी सत्संग का मन करता है गुरुजी के हुक्म से, तो बिल्कुल भी मत घबराइए। कितनी बार, कितने सत्संगों से हमने ये सीखा है कि गुरुजी साक्षात हर चीज़ का प्रबंध करते हैं और हर चीज़ की प्लानिंग गुरुजी के अकॉर्डिंग होती है। कितनी संगत आएगी, कौन कौन बैठेगा, कौन मेरी आरती करेगा, कौन मुझे भोग प्रसाद लगाएगा, कौन मेरी चाय प्रसाद लगाएगा, तो ये सब गुरुजी महाराज जी ने पहले से ही संगत जी तय किया होता है। तो गुरुजी महाराज जी की लीलाओं को हर रोज आप देखते हो अनुराधा व्लॉग्स में। मैं जहां जहां जाती हूँ वही वही के सत्संग आपसे साझा करती हूँ और आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं, कि घबराना नहीं है आपने। सब कुछ गुरुजी के नाम का जब करना है तो उन्हीं पे ये बागडोर फेंक देनी है, यानी कि उन्हीं पे डाल देनी है। सॉरी, फेंक देना शब्द थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि संगत जी साक्षात गुरुजी महाराज आते हैं, और जब गुरुजी महाराज आते हैं तो अपना होने का प्रमाण जरूर देते हैं, और मेरे को तो हमेशा संगत जी होते हैं दर्शन, जो कि मैं आप सबसे भी साझा करती हूँ। जब भी आप वीडियो देखते हो गुरुजी महाराज वाली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख के अपनी हाजिरी जरूर संगत जी लगाया करो। प्यारी संगत जी, जब भी आपको सत्संग में बैठे बिठाए गुरुजी महाराज लंगर प्रसाद खाने को देते हैं, जल प्रसाद पीने को देते हैं, तो देखिए वेस्टेज मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते उस लंगर प्रसाद में, उस जल प्रसाद में क्या क्या करामाते वो प्रसाद करता है। एक्चुअली ये हमारे हाथ में थमाई गई जो लंगर प्रसाद की प्लेट होती है, इसमें संगत जी व्यंजन नहीं होते, इसमें होती है संजीवनी बूटी, यानी कि एक ऐसी मेडिसन जो कि हमारे अंदर के हर रोग को, हर बीमारी को और हर उस गंदगी और उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल कर फेंकती है, जिसके कारण हमारा शरीर कहीं ना कहीं दागदार हो रहा होता है। यानी कि हमें गुरुजी महाराज देते हैं एक निरोगी का, या कितने आपने सत्संग सुने होंगे कि लंगर प्रसाद का सेवन करके और जल प्रसाद पीकर उनके फलानी रोग, फलानी बीमारियां ठीक हो गई, तो संजीवनी बूटी ही ये काम कर सकती है। तो इस लंगर प्रसाद को सर मत्थे लगा के प्रेम से खाइए और बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है तो आप पहले ही सेवादार अंकल या सेवादार आंटी से बात कीजिए और कम कराइए और फिर खाइए, लेकिन वेस्ट आपको संगत जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसकी वैल्यू को पहचानिए संगत जी, है ना। क्योंकि गुरु जी हम सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, उनकी जितने उनके शुक्राने किए जाए ना उतने कम है, और जिंदगियां गुरु जी ने बदल दी हैं, जहां जहां गुरु जी जाते हैं अपना होने का प्रमाण देते हैं, और सबको वो आंखें चाहिए देखने के लिए। तो संगत जी मिलकर सारे हाजिर लगाएंगे, फिर परिवार वाले शुक्राना करेंगे, और कोई सत्संग शेयर करना चाहता हो तो प्लीज करिएगा। और सबसे ज्यादा खुश मैं आपको बताइए कब होती हूँ, जब मेरे कटरे वाले होते हैं, मेरे मायके वाले, सारे कटरे वाले, ये सारे वो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, हमारे भाई शुक्राना गुरु जी, ऐसे सभी में प्रेम बनाए रखना,
और गुरु जी कहीं भी कोई ग्रुपिज्म ना हो, सब मिलजुल कर आपका नाम ले, बस मैं तो यही कहूंगी। मैं यही पल पल कहती हूँ कि सारे मिलजुल कर गुरु जी का नाम ले, कोई कटरे वाला नहीं, कोई जम्मू वाला नहीं, कोई दिल्ली वाला नहीं, सब गुरु जी की संगते हैं, सब गुरु परिवार है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और सेम रूप में आए हैं पहले, आज वो देख।
मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के संगत जी, आज भी मेहर बरसी है और जिस भी सत्संग में गुरु जी महाराज अपनी हाजिरी लगवाते हैं, जहाँ भी लेकर जाते हैं, वहीं पर संगत जी साक्षात अपना होने का प्रमाण देते हैं किसी न किसी रूप में। तो आज संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरे चाय प्रसाद को ब्लेस किया है। देखिए कितना प्यारा ओम ये दर्शन हो रहे हैं संगत जी, अभी आगे भी देखिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखिएगा, और आपके साथ भी ये सब होता है। देखिए संगत जी, जब हम गुरु जी महाराज से जुड़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हमारे साथ होती है तो हमारा बिलीव और बढ़ना शुरू हो जाता है। कई लोग हमें पागल भी बोलते हैं, कई लोग कमली बोलते हैं, लेकिन ठीक है ना, हम ईश्वर के नाम के पागल है, ईश्वर के नाम की कमली है, तो इसमें बुराई क्या है? किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है, हमें खुशी मिल रही है ना। तो हमें अपने विश्वास और अपनी खुशी के लिए ये दर्शन सभी से साझे करने हैं। क्यों संगत जी, ये देखिए अब ये क्या है, इसे मैं थोड़ा और क्लोज करके दिखाती हूँ। जब चाय वाला प्याला संगत जी, जो डिस्पोजेबल गिलास आता है, वो खत्म हुआ है तो उसके नीचे भी संपूर्ण ओम के दर्शन है। ये कप वाले ओम के अंदर तो संगत जी चंद्र बिंदु भी बना हुआ है। तो मैं कितनी खुश हुई हूँ ये सब देखकर, गुरु जी महाराज की ये ब्लेसिंग्स लेकर। और संगत जी मैं बार बार एक ही बात आपसे कहती हूँ कि ओम से बड़ा शब्द इस दुनिया में ना कोई हुआ है ना ही होगा। और जैसे ही मैं संगत जी घर आई हूँ तो फिर ये जो केले प्रसाद वहां से मुझे मेरी फ्रेंड ने दिए थे, उस पे भी ओम की ब्लेसिंग। तो शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल ऐसे ही साथ निभाना, हमेशा अपनी बच्ची के अंग संग रहना, भूल चूक माफ करना और अपनी सारी संगतों को ब्लेस करना जो भी ये वीडियोस देख रही हैं। वीडियो को आगे भी संगत जी शेयर कर दीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और ओम के प्यारे प्यारे दर्शन करके आप नीचे महामंत्र का जाप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, जय हो मेरी सच्ची।